चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709A मेरठ को शामली होकर करनाल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। मेरठ से 16 किलोमीटर की दूरी तय करके नानू की नहर को पार करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुड़ने वाली एक सड़क 5 किलोमीटर सफर तय करके ऐतिहासिक शहर एवं वर्तमान में लगभग 82,500 की विशाल जनसंख्या वाले मेरठ जिले के तीसरे सबसे बड़े शहरी क्षेत्र सरधना में प्रवेश करती है। शहर में प्रवेश करते हुए एक प्रमुख चौराहा पुराना बस स्टैंड चौक दिखाई पड़ता है। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग बिनौली होकर बड़ौत, पूर्व दिशा की ओर दौराला एवं उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग तहसील मार्ग कहलाता है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार मुगल काल का पतन होने के पश्चात यहाँ बेगम समरू ने राज किया। उन्होंने सरधना को अनेकों ऐतिहासिक धरोहरें दी, जिनके कारण सरधना आज विश्व भर में पहचाना जाता है। तहसील मार्ग पर सरधना के अनेकों राष्ट्रीयकृत बैंक, कोतवाली सरधना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका परिषद आदि का कार्यालय स्थापित है। 1803 से 1818 तक सहारनपुर जनपद का भाग रहा सरधना 1818 में नए बने जिले मेरठ में सम्मिलित किया गया। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने हेतु अंग्रेजों ने यहाँ लगभग 1820 में तहसील की स्थापना की। 1997 से पूर्व बरनावा, बिनौली, दाहा आदि क्षेत्र सरधना तहसील क्षेत्र में ही सम्मिलित थे, जो 1997 में नए बने बागपत जिले की बड़ौत तहसील में स्थानांतरित कर दिए गए। तहसील से शहीद वतन वीर अब्दुल हमीद चौक होते हुए एक सड़क ऐतिहासिक सरधना चर्च की ओर लेकर जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस अति भव्य गिरजाघर का निर्माण बेगम फरजाना योहाना समरू ने 1822 ईस्वी में कराया था। इसे पोप जॉन 23वें ने 1961 में बसीलिका घोषित किया। यह चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्चों में एक है। यहाँ भारत समेत विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। शहर का एक और प्रमुख चौराहा देवी मंदिर चौक। यह चौराहा सरधना के अति व्यस्त चौराहों में एक है। इस चौराहे के निकट ही प्राचीन महादेव मंदिर स्थापित है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में लाक्षाग्रह की ओर प्रस्थान करते हुए यहाँ पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की थी। देवी मंदिर चौक से गुजरान गेट में प्रवेश करके देवी मंदिर मार्ग के रूप में एक प्रमुख सड़क शहर के अंदरूनी भागों की ओर प्रवेश करती है, जहां आगे चलकर एक मोड़ लेकर कुछ दूरी तय करने के बाद शहीद द्वार से शहर के अति महत्वपूर्ण मार्ग रामलीला मार्ग में प्रवेश किया जाता है। विकसित सरधना की झलक इस मार्ग पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। डिवाइडर युक्त यह महत्वपूर्ण सड़क सरधना शहर की भव्यता का दर्शन कराते हुए अशोक की लाट चौक पर पहुंचती है। यहाँ एक विशाल स्तंभ स्थापित है, जिसे अशोक की लाट के रूप में पहचाना जाता है। व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह चौराहा सरधना का दिल कहा जा सकता है। यहाँ से एक मार्ग पांडुशिला मार्ग के रूप में बिनौली मार्ग से जोड़ता है।
में, तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।